हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के कुछ और एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में हमने उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और एग्जांपल 11 और 12 को किया था। आज हम एग्जांपल 13 और एग्जांपल 14 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल 13 कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको इस एपी के कितने टर्म्स लेने हैं, यानी एन बताना है ना। कितने टर्म्स का मतलब एन बताना है आपको, एन की वैल्यू कितने टर्म्स लें जिससे कि जो सम है वो 78 आए, इन टर्म्स का सम 78 आए। तो पहले जो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। पहले तो हमें एपी दे रखा है, तो आपको चेक करने की जरूरत तो है नहीं कि एपी है कि नहीं, राइट। तो देखिएगा एपी है आपका, हमने यहाँ लिख दिया एपी इस तरीके से 24, 21, 18, so on, राइट। ये हमारा एपी हो गया। अब यहाँ पर हमें एसएन दे रखा है। क्या दे रखा है? एसएन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हमको, एसएन दे रखा है 78। ओके, अब देखिएगा यहाँ से हम ए और डी निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो ए है हमारा यहाँ पे, ए है हमारा 24 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा a2 - a1 जो कि हो जाएगा 21 - 24 कितना हो जाएगा, -3, राइट। आप देख सकते हैं कि एपी डिक्रीज हो रही है ना। लास्ट में जाके कहीं नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब देखिएगा हमें एसएन दे रखा है 78, तो हम इसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एग्जांपल 11 और 12 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे एसएन का पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एसएन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो पढ़ा था हमने, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर लेते हैं। तो देखिएगा SN की वैल्यू है 78, तो यहाँ पे 78 पुट कर दिया मैंने। N की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, और 2 into A यानी 2 into 24 ये हो जाएगा, प्लस N माइनस वन, N की वैल्यू तो पता ही नहीं है, N माइनस वन इंटू डी कितना है आपका, -3। सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 24 into 2 48, और इस -3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 8 16, 1 कैरी, 2 7 14 and 156 इक्वल्स टू n टाइम्स 2 को जब 24 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 48, एंड -3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये आ जाएगा -3n + 3। ओके, अब देखिएगा 48 + 3 कितना हो जाएगा 51, है ना। और क्या करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं हम। देखिएगा 156 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 51 - 3n। आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएगा 156 इज इक्वल्स टू 51n - 3n² ओके, और अब सबको इस तरफ ले आइए, n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक चैप्टर तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो n स्क्वायर को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आएगा 3n² - 51n + 156 = 0। आप देख सकते हैं कि ये सब 3 से डिविजिबल वाले जो नंबर्स हैं, है ना। तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, n² है ना -51। तो अब इसको देखिए कितना जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 51 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिएगा 51 को मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि कितना नंबर लिखेंगे हम अंदर, तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखिएगा 3 1 3 2 और 3 7, यानी कि 17 आएगा यहाँ पे, 17n। इसी तरीके से 156 का भी चेक कर लेते हैं कि 156 कितनी बार में जाएगा 3 से, 3 5 15, है ना, और 3 2 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 52 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n² - 17n + 52 = 0। अब देखिएगा इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और फैक्टर निकालेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जो है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट तो है आपका, प्रोडक्ट कितना है, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशियंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म से, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 into 52 ये हो जाएगा 52, और फैक्टर क्या बनेगा हमारा, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होंगे, क्योंकि देखिएगा 52 पॉजिटिव है, है ना, 52 वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, तो हमें ऐसे टर्म्स, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होंगे जिन्हें ऐड करने पर मिडिल टर्म 17 आना चाहिए, है ना।
तो हम अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 13 4 52, राइट, 13 4 52। तो ये दो फैक्टर हो गए, इनको ऐड करके देखिए 13 + 4 17 बैठ रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, एन स्क्वायर माइनस 17 की जगह लिखेंगे 13 + 4 और n प्लस 52 इक्वल्स 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, तो देखिएगा एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स 0। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दो टर्म में से कॉमन ले लीजिए, फिर आपको एक ब्रैकेट मिल जाएगा। तो पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन n ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 13, और फिर इस ब्रैकेट को यहाँ रिपीट कर दीजिए, ये बताया था मैंने आपको, है ना, n माइनस 13। ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जीरोस कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा 4 और 52 में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है ना, 4 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा साइन चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे माइनस का 4n है, यहाँ पे प्लस का n है, यहाँ पे प्लस का 52 है, यहाँ माइनस का, यानी साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कैसे किसी भी पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और जीरोस निकालते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिएगा ब्रैकेट क्या बनेगा आपका, ब्रैकेट बनेगा एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 13। अब जीरोस निकालना है हमें ना, एन की वैल्यूज निकालनी है, तो इक्वल्स टू जीरो चल रहा है। तो देखिएगा दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, यानी कि इनमें से या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, या दोनों ही जीरो हो सकते हैं, है ना। तो हम दोनों केसेस देखेंगे, आइदर n माइनस 4 इक्वल टू जीरो और n माइनस 13 इक्वल टू जीरो। तो यहां से n की वैल्यू आएगी 4 और यहां से n की वैल्यू आएगी 13। तो आप देख सकते हैं n की दो वैल्यू आई है, अगर नेगेटिव आई होती तो हम बोल देते कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन यहां तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 13 टर्म्स का सम और 4 टर्म्स का सम, यानी कि 4 टर्म्स को मैं ऐड करूंगा और 13 टर्म्स को ऐड करूंगा तो बराबर आ रहे हैं, कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एपी है ना वो डिक्रीजिंग है ना, ये कम होती जा रही है, देखिए 24 21 18 सो ऑन, ऐसी अब आगे जाके नेगेटिव नंबर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है 4 नंबर का जो टर्म्स का सम है वो 13 टर्म्स के बराबर है, उनके सम का बराबर है। क्या मतलब है इसका, आगे की कुछ नेगेटिव वाले जो नंबर्स होंगे वो आपको आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और n की वैल्यू 13 भी हो सकती है। अगर नेगेटिव आया होता तो हम उसको छोड़ देते, तो हम कहते कि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए जो भी पॉजिटिव वाला है वो ले लेते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे कि आइदर n इज इक्वल टू 4 और 13, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 टर्म्स का सम 13 टर्म्स के सम के बराबर है, तो आप कह देंगे कि देखिए एपी तो डिक्रीज हो रही है, तो जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्म्स से, है ना। तो इस तरीके से हमने 13th एग्जाम्पल को कर लिया। अब हम एग्जाम्पल 14 को देख लेते हैं, 14th एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ, इसमें दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले पॉजिटिव नंबर्स जो हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और लास्ट हम क्या होगा हमारा 1000 होगा, क्योंकि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अब कहीं क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि ये एपी है, नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि बुक में जो एग्जांपल है आप उसमें देखेंगे, उसमें उन्होंने चेक नहीं किया है कि ये एपी है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पर उनको चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे A2 माइनस A1, है ना, तो 2 माइनस 1 पता है हमें कि ये एपी है, देखिए एक एक का ही तो गैप है, लेकिन हम दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1, और A3 माइनस A2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एपी है। तो हम लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज एन एपी। ओके, द सीक्वेंस इज एन एपी, ऐसे लिख लीजिए, द सीक्वेंस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1। ओके, यहां पे 1 लिख लीजिए कि दोनों बराबर हैं 1 के। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर्स का इंटीजर्स का वो सम निकालना है ना, यानी कि हमें निकालना है एस 1000। सिंपल है, फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूला है हमारा एन अपॉन टू 2a। अब एक काम देखिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, करके देख लीजिए। आप नहीं उसको नहीं चाहते हैं तो आप ये वाला जो बेसिक वाला फॉर्मूला है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा n अपॉन टू ए प्लस एन, ये वो वाला फॉर्मूला है जिसमें हमें पता होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n अपॉन टू यानी 1000 अपॉन टू, ए की वैल्यू है 1 प्लस इसकी वैल्यू है 1000। ओके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो 500 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा 1001। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5005 एंड देन 20, राइट इतना आ जाएगा आपका, सही है 5105 और 005। ओके यानी कि 5,500 है ना, इतना आ गया इसका सम। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वही 14th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए बहुत सिंपल है ये, पहले पार्ट में हमने 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाला है, यहाँ पर n पॉजिटिव है यानी n की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें n के टर्म्स में ही आंसर मिलेगा। तो कर लेते हैं इसको, देखिएगा पहले हम लिख लेते हैं ए पी क्या बनेगी, 1 2 3 सो ऑन, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट टर्म n हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है, उन्होंने बोला है फर्स्ट n टर्म्स का है। अब देखिएगा आप चाहें तो यहाँ पे n लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिएगा। अब इसको हम चेक करके देखेंगे ए पी है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया है, तो आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज एन ए पी, इट इज एन ए पी विद ए इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1। अब हमें एस एन निकालना है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिएगा n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पे, n अपॉन टू 2a, a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1। सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा n अपॉन टू 2 1 2 प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो आपके पास आ गया n अपॉन टू और n प्लस 1, एस एन का हो गया फॉर्मूला है ना। तो ये एक तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स की सम निकालिए, तो यहाँ पे 30 डाल दीजिए एन की जगह, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए तो यहाँ पे 50 डाल दीजिए, तो एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, आप चाहें तो दूसरा वाला जो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये था फॉर्मूला। यहाँ पे देखिएगा एन अपॉन टू, ओके ए क्या है हमारा, देखिएगा ए है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस एल यानी लास्ट टर्म क्या है हमारा एन है। तो देखिए सेम ही तो आया फॉर्मूला, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू नहीं पता थी इसलिए एन के टर्म्स में ये आंसर आया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बाकी के दो एग्जाम्पल्स को करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ और स्टडी विद बी मैथमेटिक्स।